जालौन मेट्रो से मैरिश्मी पांडे। इस वक्त की बड़ी खबर, जालौन से दलित छात्र की पिटाई के मामले में शिक्षा विभाग का एक और नया कारनामा आया सामने। शिक्षिका पर कार्यवाही करने की जगह शिक्षा विभाग के अधिकारी पीड़ित के ऊपर ही बनाने लगे दबाव। अधिकारी शिकायत वापस लेने का बना रही हैं पीड़ित महिला के ऊपर दबाव। स्कूल में बुलाकर पीड़ित महिला पर एबीएस से बना रही हैं शिकायत वापस लेने का दबाव। महिला से शिकायत वापस लेने का दबाव बनाते हुए अधिकारियों का वीडियो हुआ वायरल। दो दिन पहले शिक्षिका के बर्तन से पानी पीने के कारण शिक्षिका ने की थी मासूम छात्र की पिटाई, जिस खबर को जालौन मेट्रो पर प्रमुखता से दिखाया गया था। जालौन के कालपी तहसील से देवपुरा गांव का यह मामला है, बड़ी और अहम खबर, जहां अधिकारी शिकायत वापस लेने का पीड़ित महिला के ऊपर ही दबाव बना रहे हैं। इसका वीडियो भी अब वायरल हुआ है। स्कूल में बुलाकर पीड़ित महिला पर एबीएस से शिकायत वापस लेने का दबाव बनाते इस वीडियो में नजर आ रही हैं। दरअसल दो दिन पहले शिक्षिका के बर्तन से पानी पीने के कारण शिक्षिका ने मासूम छात्र की पिटाई की थी। जालौन के कालपी तहसील के देवपुरा गांव का है ये मामला। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए फोन लाइन पर मौजूद हैं देवेश स्वर्णकार जी। जी देवेश जी, क्या अपडेट मिल रही है? हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक ये समूचा घटनाक्रम जनपद जालौन के कालपी तहसील क्षेत्र के देवपुरा प्राथमिक विद्यालय से सामने आया था, जहां पर कुछ दिनों पहले एक दलित छात्र को एक शिक्षिका ने मारा था। शिक्षिका पर आरोप ये था कि उसने, यानी जो दलित छात्र है, उसने शिक्षिका की बाल्टी से पानी पी लिया था, इसलिए उसको मारा था। हालांकि हमने उस समय भी अपने चैनल पर खबर दिखाई थी और कहा भी था कि हम ऐसे दावों पर दावों की पुष्टि नहीं करते, न ही ऐसे दावों का हम समर्थन करते हैं, न ही ऐसे विवादों का हम जो है समर्थन किसी भी रूप में हम लोग नहीं करते। उसके बाद जब उसकी माँ जिलाधिकारी कार्यालय पहुंची थी अपने इस बच्चे को लेकर शिकायत दर्ज कराने, तब उस खबर को हम लोगों ने प्राथमिकता से दिखाया था। और आज उस खबर को संज्ञान लेने के बाद जिले के जो आला अधिकारी हैं वो प्राथमिक विद्यालय देवपुरा पहुंचे हैं, और देवपुरा पहुंचने के बाद उस पीड़ित महिला को, मतलब जो जो दलित छात्र था, उसकी माँ, यानी माँ बेटे और उसके परिजनों को प्राथमिक विद्यालय में बुलवाया गया। पहले तो नियमों को दरकिनार कर वहाँ, क्योंकि उनको नियम ये था कि वहाँ पहले जाना चाहिए था, उसके बयान नोट करने चाहिए थे, शिक्षिका के बयान अलग नोट करने चाहिए थे, जो प्रत्यक्षदर्शी थे उनके बयान नोट करने चाहिए थे, उसके बाद तब कहीं होता। लेकिन उस शिक्षिका को अलग अलग न करके, या उनके जो पीड़ित एक्सक्यूज और जो आरोपी हैं दोनों को एक साथ एक ही उस कमरे में बिठाया गया है प्राथमिक विद्यालय में ही, और वहां पर आला अधिकारियों ने उस जो दलित छात्र की माँ है उससे ये कहा है कि चलो गलती हो गई है, अब मान जाइए। तो इस तरीके का, मतलब एक मामले की जत्यता की जाँच करने की बजाय, उसकी सबमिट रिपोर्ट करने की बजाय, उस महिला पर जिस तरीके से दबाव बनाया जा रहा है उसका एक वीडियो अभी अभी वायरल हुआ है। क्योंकि इस समय, अभी भी जब इस समय हम अपनी खबर दिखा रहे हैं, इस समय भी प्रशासनिक अमला वहां देवपुरा गांव में मौजूद है, और ये वीडियो अभी अभी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। तो इस वीडियो को लेकर हम आपके सामने फिर से हाजिर हुए हैं कि क्या जिम्मेदारों का यही रवैया है? क्या जिम्मेदारों को नहीं चाहिए था कि वो जाकर ऐसे काम करते या इस तरीके से रखते कि जो है सब कुछ न्यायोचित होता, न्याय संगत होता? लेकिन जिस तरीके से वीडियो में दिखाया जा रहा है कि आला अधिकारी हैं या जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो महिला से बार बार कह रहे हैं कि चलिए गलती हो गई है, अब मान भी जाइए, अब मान भी जाइए, तो महिला बार बार हाथ जोड़कर सामने कह रही है कि नहीं, जो है इस तरीके से किसी और के बच्चे के साथ भी होगा। मतलब कहीं ना कहीं उस महिला पर एक दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि इस वीडियो वायरल होने के बाद अधिकारी, आला अधिकारी क्या संज्ञान लेते हैं, क्या आगे रणनीति होती है। इस समय जो भी अपडेट होगा हम आप तक फिर हाजिर होंगे। नमस्कार। आपकी बात हम सब स्वीकार कर रहे हैं। अगर एक बार आपसे बच्ची गलती कर दे, हमने गलती कर दी, कोई जुम्मा लेता, हम जिम्मेदारी ले रहे हैं। अगर दोबारा अपने बच्चे के साथ हमारे साथ आए ना, नहीं है और उनसे बात बात करना नहीं है। आज बड़े हमने उसके नाम, आप हमको तो चीज कराई।
जालौन मेट्रो न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जालौन जनपद से जुड़ी खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले।